आपको जानकर हैरानी होगी कि कोरोना काल के इस एक साल में इंसान जरा भी नहीं बदला और हमारा कोई अपडेटेड वर्जन भी नहीं आया। लेकिन इस अवधि में कोरोना वायरस के कई वर्जन आ चुके हैं, यानी आप कह सकते हैं कि इस एक वर्ष में इंसान तो नहीं बदले लेकिन कोरोना काफी बदल चुका है। दिसंबर 2020 तक कोरोना वायरस के 12,000 वेरिएंट सामने आ चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में इसके 100 से ज्यादा नए वेरिएंट की पहचान हुई है। और इनमें जो एक नया वेरिएंट इस समय भारत में तेजी से फैल रहा है वो काफी डरा देने वाला है। सबसे पहले आपको वायरस के इस नए अवतार के बारे में बताते हैं। ये नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि कोरोना के टेस्ट को भी आसानी से धोखा दे सकता है। यानी अगर आप कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होते हैं तो आपको इसके लक्षण तो दिखाई देते हैं लेकिन फिर टेस्ट कराने पर आपकी रिपोर्ट में कोरोना की पुष्टि नहीं होती है। कोरोना की नई लहर कहर साबित हो रही है और इस बार जो स्थिति बन रही है वो जांचकर्ताओं की समझ में भी नहीं आ रही है। कुछ लोगों ने अपना RT-PCR टेस्ट करवाया और बताया कि 2 से 3 बार कोरोना टेस्ट करवाने के बाद भी उनका टेस्ट नेगेटिव आया लेकिन उनमें कोरोना के लक्षण थे। आपको बता दें कि आपकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव देखकर किसी भी डॉक्टर को लगेगा कि सब ठीक है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार खतरा पिछली बार से ज्यादा बड़ा है। कोरोना वायरस का नया रूप पहले से ज्यादा खतरनाक है। नया वायरस RT-PCR टेस्ट को भी झांसा दे रहा है। हाल के दिनों में ऐसे बहुत से मामले आए हैं जिनमें RT-PCR टेस्ट नेगेटिव है लेकिन ऑर्गन फ्लूइड में पता चला है कि कोविड पॉजिटिव केस है। विशेषकर्ताओं के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों के दोनों फेफड़ों में सफेद धब्बे दिखते हैं। सफेद धब्बे कोरोना संक्रमण की निशानी है। इलाज नहीं हुआ तो फाइब्रोसिस का डर रहता है। फाइब्रोसिस में अनचाहे टिश्यू बन जाते हैं जो नुकसानदेह होते हैं और ये टिश्यू सांस लेने में दिक्कत उत्पन्न करते हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह फेफड़ों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। नया स्ट्रेन 2 से 3 दिन में फेफड़ों को 50 से 80% तक संक्रमित कर देता है जबकि पहली लहर में इसमें करीब 14 दिन का वक्त लगता है। इसी वजह से नए स्ट्रेन से ग्रसित मरीजों की मौत की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जब तक संक्रमण का पता चलता है तब तक मरीजों के शरीर को काफी नुकसान हो चुका होता है। RT-PCR या CT स्कैन की रिपोर्ट आने में 24 से 36 घंटे लगते हैं। तब तक यह संक्रमण फेफड़ों को अपनी गिरफ्त में ले चुका होता है। अब सवाल यह है कि अगर RT-PCR टेस्ट में भी कोरोना संक्रमित होने की पहचान नहीं हो पा रही है तो नए स्ट्रेन का पता आखिर कैसे चलेगा। नए स्ट्रेन का पता 2 जांच से किया जाता है। आइए आपको बताते हैं वो 2 जांच क्या है। फेफड़ों का हाई रेगुलेशन CT स्कैन और BAL टेस्ट में फेफड़ों के फ्लूइड के जरिए वायरस की पहचान की जाती है। पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण काल में देश ने पूरी गंभीरता से सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, मास्क को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाया लेकिन कोविड के केसेस में कमी आते ही लोगों के बीच गंभीरता खत्म हो गई। यही वजह है कि कोरोना वायरस का नया रूप लोगों को संभलने का मौका ही नहीं दे रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि नया वेरिएंट कितना खतरनाक है लेकिन अब आपको इसका समाधान बताते हैं। अगर आपको कोरोना है और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ऐसी स्थिति में आप 2 चीज कर सकते हैं। पहला, आप चेस्ट का CT स्कैन करवा कर इस वायरस का पता लगा सकते हैं और दूसरा, आप BAL नाम के एक दूसरे टेस्ट से भी इसका पता लगा सकते हैं। इस टेस्ट में एक स्कूप को मुंह या नाक की नली से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फिर नमूने लेकर उनकी जांच की जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस प्रक्रिया से नए वेरिएंट की पहचान हो सकती है। डॉक्टर्स की सलाह है कि कोविड से बचाव का उपाय मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही है।